चलिन भाई, आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, पक्ष प्रवेश किया गया है, कितने लोग शामिल हुए हैं, पक्ष प्रवेश किए हैं और कौन कौन से पार्टी है, क्या कार्यक्रम है? आज नूरबाग हॉल में शरद चंद्र जी पवार साहब के गट से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब के नेतृत्व में, सैयद अली अशरफ भाई साहब के नेतृत्व में आज बहुत सारे पार्टी से लोगों ने आकर के हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र भाट साहब के नेतृत्व में पार्टी में प्रवेश लिया है। मैं उन सब को, जो बच्चे साबिर मंजर ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं, मैं इन तमाम लोगों को सबसे पहले पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आपको जो आज ये पद नियुक्ति पत्र दिया गया है, मैं अनवर भाई, इस्लामुद्दीन भाई, आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो सर्टिफिकेट दी जाती है, जब मैंने भी सर्टिफिकेट फर्स्ट टाइम अबू आसिम आजमी साहब से लिया था तो मुझे उन्होंने ये तालीम दिया था कि ये सर्टिफिकेट जो आपकी है, ये सर्टिफिकेट को आप कागज मत समझिएगा, ये सर्टिफिकेट वो है जो लोगों को इंसाफ दिलाती है, लोगों के काम करवाती है, तो आप ये सर्टिफिकेट लेकर के लोगों के काम करें। यही मैं आपके माध्यम से उन तमाम पार्टी में प्रवेश लोगों को इस बात की मैं अपील करता हूं और जहां पे आपको जरूरत हो मैं एज ए पार्टी प्रेसिडेंट आपके साथ खड़ा हूं। कितने कार्यकर्ता तकरीबन अनवर भाई मैं कहूं अगर आपसे, तो ऐसे जो टीम लीडर होते हैं ऐसे तकरीबन होएंगे 40 से 50 लोग, लेकिन 700 से 800 लोगों ने प्रवेश किया है, उनके साथ बहुत सारी टीम आई है, आके लोगों ने प्रवेश किया है। खास करके किस पार्टी से ज्यादा कार्यकर्ता? खास करके बीजेपी से ज्यादा लोग आए हैं। ऑफिस की भी उद्घाटन आज यहाँ पर शहर में किया गया है और काफी यहाँ पर भीड़ थी, लेकिन ऐसा बताया जाए कुछ लोग जो है चले भी है, शायद कार्यक्रम शुरू होने में देरी हुई। हाँ, थोड़ा देरी हुई, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ लोगों से। थोड़ा सा शानू पठान साहब ने आज 3-4 कार्यक्रम रख दिया था अमृत नगर और बहुत सारे इतराफ में, तो उसमें थोड़ा साहब को यहाँ आने में देरी हुई, प्रोग्राम तो चालू था लेकिन लोगों को तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं उनसे माजरत चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो भी तकलीफ हुई है आइंदा हम कोशिश करेंगे ऐसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े।